एशिया के साथ साथ अफ्रीकी देशों में भी जाल बिछाने वाले चीन को अब हर तरफ से झटका लग रहा है। चीन के अच्छे दिन अब लग चुके हैं। चीन की नापाक चालें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। तभी तो दुनिया पर कब्जा करने का सपना देखने वाले विस्तारवादी चीन को अब केन्या ने भी जोरदार झटका दे दिया है। केन्या ने जिनपिंग की चाल को समझते हुए चीन के साथ किए अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। दोनों देशों के बीच ये समझौता साल 2017 में हुआ था, जिसके तहत चीन रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन केन्या में अरबों डॉलर की लागत से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से रेलवे लाइन का विस्तार कर रहा था। केन्या के साथ एक स्टैंडर्ड गेज रेल लाइन बिछाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके लिए चीन ने एक्सिम बैंक ऑफ चाइना से $3.2 बिलियन का कर्ज लिया था। लेकिन शुक्रवार को केन्याई अपीलीय अदालत ने केन्या और चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के बीच रेल अनुबंध को अवैध घोषित कर दिया। केन्या के उच्च न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न मामलों को संभालने वाली कोर्ट ऑफ अपील ने फैसला सुनाया। राज्य के स्वामित्व वाले केन्या रेलवे स्टैंडर्ड गेज रेलवे की परियोजना को लेकर खरीद में देश के कानूनों का उल्लंघन किया है। इस सौदे में रिश्वत लिए दिए जाने की भी बात सामने आई है। अदालत का कहना है कि चीनी कंपनियों ने रसूख और पैसे का इस्तेमाल कर केन्या के कानूनों का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि केन्या के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या के साथ मिलकर कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि रेलवे एक सार्वजनिक संपत्ति है, जिसमें सभी परियोजनाओं से जुड़ी खरीद प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन इस परियोजना में किसी भी बिड को जारी किए बिना एक कंपनी को सीधे तौर पर अनुबंध सौंप दिया गया, जिसके बाद ये पाया गया कि चीन केन्या पर भी अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद शुरुआत में ही केन्या ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। केन्या के इस एक्शन से चीन की हालत पतली हो गई होगी। उसने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि केन्या जैसा देश उसके साथ की गई डील को इस तरह से कैंसिल कर सकता है।